recreate those looks from the best celebrities in B-Town, for instance, Vicky Kaushal, Ranbir Kapoor and Shahid Kapoor. अब ऑब्वियसली शायद के जूते देख के ही पता लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, बट ऑब्वियसली वी नॉट गोइंग टू दैट बजट. 70-80 हज़ार के जूते नहीं लेने, अपना बजट 800-900 रुपए का है. आउटफिट दैट आर एनिमल रणबीर इज वेयरिंग एब्सोल्युटली लव. इस लुक को रिक्रिएट करने के लिए मैंने ऑब्वियसली अगर सुपर स्टाइलिश दिखना है और हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेटेड रहना है, देन यू कैन ऑलवेज टेक सेलिब्रिटी इंस्पिरेशन, क्योंकि उनके स्टाइलिस्ट उनके लिए ये स्पेसिफिक काम करते हैं और साथ ही साथ वो बहुत सारी रिसर्च करते हैं बिफोर एक्चुअली स्टाइलिंग दोज सेलिब्रिटीज. हाउएवर, ऑल ऑफ अस नो कि जो सेलिब्रिटीज कपड़े पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. इट्स नॉट वेरी इजी टू एग्जैक्टली रेप्लिकेट देम, बट टुडे वी आर गोइंग टू रिक्रिएट दोज लुक्स फ्रॉम द बेस्ट सेलिब्रिटीज इन B-Town, फॉर इंस्टेंस विक्की कौशल, रणबीर कपूर एंड शाहिद कपूर, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत स्टाइलिश लोग भी हैं. बट द बेस्ट पार्ट इज ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इन बजट. My name is Vaibhav Keswani, your Amazon style coach, and if you want to become a better version of yourself and want to know more about fashion, style and grooming, then make sure you subscribe to this channel. Aur mera Instagram zarur check out kar lena, kyunki wahan pe hazaron style inspiration hai. Aaj ki video mein jo main aapko outfits dikhane wala hu, it is going to be across categories. Ek hoga bahut hi zyada chill cool sort of an outfit, ek hoga thoda occasion wear sort of an outfit, and ek hoga jo kafi zyada rich lagega, but at the same time it's pretty casual too. सबसे पहले मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ शाहिद कपूर का ये सुपर कूल आउटफिट, जिसमें अगर आप नोटिस करो स्टाइलिस्ट ने काफ़ी अच्छे से प्ले किया है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लाइट कलर्ड आउटफिट, बट साथ ही साथ में ब्लैक शूज दे दिए टू एक्चुअली मेक अ कलर ब्रेक एंड इट मेक्स इट लुक सुपर इंटरेस्टिंग. नाउ दिस इज अ वेरी यंग वेरी कूल सॉर्ट ऑफ आउटफिट, कैजुअली आप कभी भी यूज़ कर सकते हो और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगोगे. इसके लिए I have got this light denim shirt. It's actually pretty similar to the shirt that Shahid Kapoor is wearing. Other than that, I absolutely love the fact that isme bahut zyada wash nahi ho raha. It's pretty chill aur multiple seasons mein, multiple occasions pe aap isko easily style kar sakte hain. Because this is a denim shirt, it is evergreen, and the good part about this one is kyunki ye high quality denim shirt hai, it's pretty soft when you wear it. Of course, for the bottom wear, I called for a jogger which was actually pretty similar to the color that Shahid is wearing. I absolutely love the fact ki ye bahut zyada na एक डिफरेंट या बहुत ही ज़्यादा लाइटर शेड ऑफ खाकी नहीं है, इट्स जस्ट अप्रोप्रिएट, और इसमें ना बहुत ज़्यादा मिनिमल काम हो रखा है, इट्स नॉट वेरी हैवी लाइक अ कार्गो एक्सेट्रा. साथ ही साथ इसमें ये जो चीज़ नीचे इलास्टिक दे रखा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी बिग, क्योंकि ज़्यादा अगर ये लंबा होता या बड़ा होता तो इससे मोस्टली लोगों की हाइट छोटी लगने के चांसेस होते, बट दिस वन इज़ गोइंग टू फिट ऑन पॉइंट. अब ऑब्वियसली शायद के जूते देख के पता लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू दैट बजट. 70-80 हज़ार के जूते नहीं लेने, अपना बजट 800-900 रुपए का है, एंड उसमें मुझे ये ब्लैक स्नीकर्स मिल गए. लव द फैक्ट जो इसमें लेदर डिटेलिंग है बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, इट्स एक्चुअली प्रीटी क्लीन. दिस इज वन सॉर्ट ऑफ अ स्नीकर दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस आउटफिट और एनीथिंग एल्स. लेट्स जस्ट पुट इट ऑल टुगेदर एंड लेट्स सी कि कैसा आउटफिट बन के आता है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं थोड़े स्टेटमेंट वेयर पे. दिस आउटफिट दैट आर एनिमल रणबीर इज वेयरिंग एब्सोल्युटली लव हाउ द मिक्स ऑफ कलर हैज़ बीन यूज. डिस्पाइट द फैक्ट तीन कलर्स हैं, बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा. ए बिकॉज द जैकेट इज टोन डाउन, बी बिकॉज द बेस लेयर जो टी शर्ट है और जीन्स है वो मोनोक्रोमैटिक है, और एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करने के लिए साथ में बेज शूज़ दे रखे हैं. बेज की जगह ब्राउन भी जा सकते हैं. अब इस लुक को रिक्रिएट करने के लिए मैंने ऑब्वियसली आई गॉन फॉर अ बेसिक हाई क्वालिटी डेनिम इन ब्लू. नाउ इट इज़ अ रॉ डेनिम, ये मोस्टली आपके घर में ऑलरेडी होगी, आपकी वार्डरोब में ऑलरेडी होगी, नहीं है तो ये वैसे भी ले लेना बिकॉज इट इज़ अ स्टेपल. अदर देन दैट आई ऑल्सो पिक्ड अप दिस हाई क्वालिटी ब्लू शर्ट. इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, नथिंग फैंसी, बट वॉट्स इंटरेस्टिंग is the next piece. One thing that I'm talking about here is of course the jacket. Here's the jacket that I'm talking about. It is actually coffeeish color, but isme na ek wine ka tint hai. Now the jacket that Ranbir is wearing, it's completely wine with collar hai. It's a very different sort of a jacket altogether, but this one is pretty close to it, and this one makes more sense for normal people like us, kyunki yaar hame na versatility zyada chahiye hoti hai. Agar hum koi kapda le rahe hain, hame usko multiple jagahon pe pehenna hota hai, not just for our statement outfits. So this is a great buy, and the best part is ye mujhe sirf 1650 rupees ki padi hai. That is it.
लास्टली हम बात करते हैं फुटवेयर की, एंड वॉट बेटर देन द एग्जैक्ट बेज फुटवेयर दैट रणबीर इज वेयरिंग इन दैट आउटफिट। एब्सोल्युटली लव द शेड ऑफ इट। ऐसा शेड ढूंढना बहुत मुश्किल था, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, ढूंढा फिरा, तब मुझे जाके ये बजट में मिल गया। एक्सपेंसिव ब्रांड्स में बहुत ईजिली मिल जाता है, बट बजट में मिलना इट्स नॉट वेरी ईजी। द गुड पार्ट अबाउट दिस इज बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल शेड, बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ही ज़्यादा क्लासी वाइब देता है। नॉट जस्ट विद दिस आउटफिट, इवन इफ यू वेयर इट विद एनी आउटफिट, दीज वन आर गोइंग टू लुक वेरी गुड। इनकी शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट शेप नहीं कहूँगा, बट फॉर दिस बजट इट इज़ एक्चुअली क्वाइट अ गुड डील। इट्स टाइम टू पुट ऑन द आउटफिट बाय रणबीर कपूर। Lastly, our very cool and sexy man Vicky Kaushal, who has been the heartthrob of the industry and inspiration for many, uska style level bhi bahut zyada acha ho gaya hai over the years. Now, in this picture, he's seen wearing a very neutral pastel sort of a shade, very easy going, very cool, but at the same time, kyunki sari choice neutral ki hai, it looks very rich. You can literally wear this outfit on a regular day, जब अपने दोस्तों के साथ chill कर रहे हो, या फिर अगर आपको date वगैरह पे भी जाना है, something which is that sort of special, you can literally go for it. Now for this, firstly, I opted for a grey stripes shirt. ये मुझे बहुत easily मिल गई. I absolutely love the fact कि इसमें बहुत ज़्यादा heaviness नहीं है कुछ, ना इसकी ना stripes बहुत ज़्यादा bold हैं. It's just the appropriate sort of stripes that you would want. Now to actually add up to the bottoms, I went for this off white chinos. Now this is very important. अगर ये वाली look recreate करनी है तो off white chinos ही चाहिए होगी. You cannot go for beige, you cannot go for grey, you cannot go for white. मुझे इसका fabric और fit काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. It's quite lightweight, especially now that winters are coming to an end. समझ आने वाली है, मोस्टली जगहों पर समझ आ चुकी हैं ऑलरेडी. सो इन दैट केस यू कैन लिटरली गो फॉर दिस. इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट एडिशन टू योर वार्डरोब दिस सीजन. Now if we talk about the shoes, इस outfit में विक्की कौशल ने गोल्डन गूस के जूते पहने हैं जो 50,000 रुपये से नीचे के नहीं आते भाई, अपना सिंपल है, बजट नहीं है. बट इफ़ यू लुक एट इट, इट इज़ अ वाइट स्नीकर विच इज़ द बेस्ट पार्ट. आपकी वार्डरोब में जो वाइट स्नीकर है वो यूज़ कर लेना, अगर नहीं है तो होना चाहिए बाय नाउ. ऑफ कोर्स आई मीन इफ यू हैव माय ऑडियंस स्पेशली यू वुड नो हाउ इंपॉर्टेंट वाइट स्नीकर्स आर. एनी विच वे, मूविंग ऑन टू द स्टाइलिंग पार्ट फॉर दिस. That was majorly about recreating outfits of Bollywood celebrities. अगर आपको ये concept, ये video मज़ा आया देखने में, कुछ आपको और interesting लगा, कुछ नया सीखने को मिला, then make sure you tell me in the comment section to make a part 2 because I am quite excited for these sort of videos. I hope you learned something new, enjoyed this video. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.